हेलो मिट्टू, उठ गए तुम? जाग गए तुम? कैसी हो तुम? और ऐसे सुबह सुबह काटना होता है भाई, जब तक इसकी तोती नहीं ना आई, इसने ऐसी काट देना है, इसे ऐसे तंग करते रहना है। मुझे तो ये लगता है कि तोती लाया था, उसके बावजूद जनाब ने उड़ा दी। अब क्या हो सकता है? लेकिन आज फिर ट्राई करेंगे और एक और तोती लेकर आते हैं, पिंजरा भी चेंज करते हैं, ताकि भाई ये तो सेट होना बहुत गुस्सा करता है। मिट्टू, क्या हो गया मिट्टू, क्या हो गया? खाना किधर है? खाना डालना भाई, अभी इसका इसका तो खाना है ही नहीं, इसका खाना भी डालते हैं। क्या हो गया मिट्टू? बड़ी जोर से काटा इसने। ये मैं क्या देख रहा हूँ? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, और भाई हमारे तोते बाहर आ गए माशाल्लाह। वो देखिए उंच बेटा पे बच्चा, लांदी से दिखाता हूँ आपको। यार ये शीट कैसे लगी? अच्छा, कि लांदी बहुत चली थी ना, तो ये चूंकि खुला एरिया है तो यहाँ से हवा बहुत आती है। ये शीट इसलिए लगाई हुई है ताकि इनके बच्चा जा सके, बारिश का अगर पानी यहाँ पे आ जाए। दोस्त माशाल्लाह, ये देखें, ये बच्चा मेरे सामने निकला हुआ है यार, और बच्चा अपने खुटिया से बाहर आ गया। ये तो बड़ी गुड लक है यार, निकाल के देखें इसको। माशाल्लाह ये हमारी मेहनत है भाई जान, ये देखें माशाल्लाह। बच्चा है जो खुजे के अंदर से आपने देखे थे ना, कि तीन तोते तो बाहर थे मेरे, हाँ तीन बाहर ही हैं बल्कि, और ये माशाल्लाह बाहर आ चुका है। ये मुझे लग रहा है एक और बाहर है, छोटा सा एक हुआ था जिसके मैंने पैरों में बांध के देखे। हेलो माशाल्लाह, तो देखिए तो भाई मुन्ना भी शुरू कर दिया, सब फ्लाई शुरू कर दिया। अभी जब भी बड़ा होगा ना पता चलेगा कि ये तोता है कि तोती है, अभी तो भाई कुछ भी नहीं पता। देखो देखो उसकी तोती कहाँ घुसी गई, दूसरे डब्बे में घुसी, मेरे ख्याल से यहाँ पर डे में गई है। अगर तोती यहाँ है तो एक तोता ये है, एक तोता ये, तो भाई ये किस तोते की दूर दिखाई दे रही है पीछे ये वाली? माशाल्लाह, एक तो दूसरा बच्चा भी बाहर आ गया यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? तो यार मुझे सुबह सुबह बहुत खुशी हुई है, माशाल्लाह मेरे परिंदे जो है, मेरे तोतों के जो बच्चे हैं वो बाहर आ गए हैं। तीन के दो तो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तीसरा मुझे दिखाई दे रहा। चलो डब्बे के अंदर उसको भी चेक कर लेते हैं। तो एक तो वो बैठा ना बताने के ऊपर, ये बच्चा है जो बाहर आ चुका है, ये खुजे के अंदर था, अभी बाहर आ चुका है। एक बच्चा बचा, लेकिन ये क्यों बैठा हुआ है? यूँ नहीं बाहर निकल भाई, तुम क्यों नहीं बाहर निकल रहे हो? ये कहीं वो तो नहीं जिसके पैरों में मैंने वो स्प्रिंग बांधा था? चलो उसको मैं चेक कर लेता हूँ। भाई इसकी बहुत खुशी हो रही है माशाल्लाह, ये बच्चा बाहर आ गया ना, ये बच्चा बैठा हुआ सामने। मैं अच्छा किया ना, मैंने पहले बाहर रख दिया था, छोटा मैंने पहले बाहर रख दिया था कि अगर बच्चे नीचे आ गए क्योंकि आने वाले थे तो आराम से दाना शाना खा सकेंगे। तो भाई ये तो उनके लिए हो गया। पानी में इनका चेंज कर लेता हूँ, बहुत गंदा हो चुका हुआ है। इतना शुक्र अदा किया जाए ना कम है। देखिए बाहर आप कबूतर देखें, ये बैठा हुआ है जो बाहर जाली के बाहर जो बैठा हुआ ना कबूतर, वो सामने जंगल में पता नहीं आपको दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा, वो अब दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखें ये इस इंतजार में होता है कि मैं कब आऊँगा, कब इसके अंदर दाना डालूंगा, ये लोग दाना खाएंगे। अल्लाह का खास करम है। ले जी दूसरे परिंदों का दाना डल गया यहाँ पे, पानी भी डाल दिया गया। कल आंधी की वजह से ना बहुत गंद मच गया था भाई। ये ऊपर वालों का मैं नहीं हूँ, अब उधर बच्चा कुछ होता है, मैं वो इनको डालता होता हूँ, भिगो के पानी में डालूंगा। और ये क्या दिखाई दे रहा है मुझे इसके अंदर? और ये किसने अंडा दे दिया भाई? किसी चिड़िया ने ना यहाँ पे अंडा दे दिया। कपड़ा था उसने घोंसला समझ लिया, आपको घोंसला कोई, यहाँ वो ऊपर को घोंसला दिखाई दे रहा है। तो भाई ये उसने दे दिया अंडा। भाई कल चलिए बहुत आंधी, उसके वजह से कपड़ा तोड़ गया, चिख भी साइड पे हो गई। माशाल्लाह सेट हैं, चूजे सेट हैं माशाल्लाह, पानी अंदर नहीं है जो मुझे डर लगा हुआ था। ऊपर रहेगी एक मुर्गी मेरे पास, बस एक मर गई, उससे पहले मुर्गा मर गया। दाना उसके अंदर है, लिहाजा से दाना डालने की जरूरत नहीं है, इसे पानी चेंज कर लेता हूँ। माशाल्लाह बड़े हो गए ना पहले से यार, ये भी भाई इंशाल्लाह ताला इनको बहुत जल्दी चलते हैं नीचे शिफ्ट करने वाला हूँ मैं। आज वैसे भी मौसम ठीक है क्योंकि आज ज़्यादा गर्मी नहीं है, बस ठीक है। वरना दो तीन दिन से जून का जो हाल हुआ था ना, बहुत बुरा हाल हुआ था भाई जन, ऊपर आया नहीं जा रहा था। आपको निकल रही है? अभी भी निकल रही है। मैं इनका पानी वाली चेंज करूँ, दाना चेंज करूँ? देखिए मैंने खोला, जैसे मिंजा बाहर आ गए हैं माशाल्लाह। बाहर आगे ना बात चुकना शुरू कर देंगे भाई, हमें दे दो पहले, वो जो पड़ी है ना मैं उनको रोटियों को भिगो दूँगा पानी के अंदर। तो जो किसी के मिंजा में घुस गए हैं, फटे होने इनके अभी, वो देखें बाहर आओ। क्या पकड़े आपने? टोटल को पकड़े टोटल? अभी इसको वॉश करना है, वॉश करें, कलें वॉश करें, वॉश करें, स्लाइम वॉश करें, इसको नीचे रख दें, बोले फुफू वॉश करें, फुफू को वॉश करवा दें। एनु अभी वो कह रहे हैं मैंने ड्राई होने, वो बहुत वेट हो गए, उसको ड्राई होने दें। तत्ल दम हो गया था एनु, तत्ल दम हो गया था, बता दे, बताएं चला मुझे कैसे आपने दम किया टर्टल को? आपने उसको दम कर दिया नीचे? मेरा टर्टल को चोट आई हो गई, एनु ने आई कर दी मेरे टर्टल को, ऐसे पकड़ के रखे हैं जरा। आई क्या हुआ? नेल लगे आपको? अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। चलें जी चलें, तत्ल चले जाएं आप अपने, तत्ल अपने घर चले जाएं। इसको यहाँ से फूंक ले। कहाँ छे? तत्ल को पालू कर ली है आप? आपने हैंड फीट डटी कर ली है नू? आपने शो जम कराया कुछ? आपने शो कुछ जम कराया? क्या यम कराया था आपने? वो पिक्चर में देख रहा है मुझे, देख किसको देख रहा है? वो पिक्चर में देख रहा है, पिक्चर में देख रहा है मुझे, देख रहा है टर्टल मुझे क्या देख रहा है टर्टल? फूड चाहिए उनको, उसको फूड चाहिए, टर्टल को फूड चाहिए। पूछे कौन सा फूड ले? पूछे कौन सा फूड ले?
आप पूछे आप क्या खाएंगे टर्टल? अब क्या खाएंगे मुझे बताएं। आउच आउच। चलो जी टर्टल चलो अपने घर चले हैं। टर्टल अपने घर जा रहे हैं अब। नहीं वो वॉक कर रहे हैं जी। अब वैसी वॉक कर रहे हैं अभी। ओ उन्होंने भी ड्राई होना है ना। तो अभी टर्टल कम ही भूखा है। नीतू कर रही है। नीतू कर रही है। वो मिट्टी है उधर। किधर मिट्टी है? उधर उधर द डस्ट नहीं है ना कहना मुझे छोड़े हैं उधर मिट्टी है। दादू आपका होम नीटू कर रही है। टर्टल बताएं टर्टल को। टर्टल आपका दोनों बच्चे हैं तीन में से दो बाहर आ गए हैं। ना वो लगा हुआ है इसको स्प्रिंग लगाया था छोटे वाले को। इसको स्प्रिंग लगाया था मैं दिखाता हूँ। ओढ़ने की कोशिश करता देखना ओढ़ने की कोशिश करते लेकिन ओढ़ नहीं पड़ता इसको पकड़ना पड़ेगा ताकि इसका स्प्रिंग उतार दे क्योंकि इसके पाँव ठीक हो गए माशाल्लाह। ये बच्चा मछला सही उड़ा काटता है से पर वगैरह आ गए हैं इसके। कितने डेज हो गए हैं इसको लगे हुए? ये स्प्रिंग हमने लगाया था ना इसको उसने एक पाँव खुद निकाल दिया स्प्रिंग में से। अब एक हाँ। निकाल देंगे लेकिन ना अब इसका स्प्रिंग खोल लेते हैं हम लोग। तो मेरे दोस्तों हमारा जो कब टांग खराब हुई थी ना और माशाल्लाह ठीक हो गई है तो मैंने कहा कि मैं ना ये स्प्रिंग को उतार देता हूँ इसके पास से ताकि आराम से फ्लाई कर सके। अब और एक बच्चा जो है ना वो भी खुजे के अंदर ही है वो भी बाहर नहीं आ रहा। बच्चों के कलर्स मछली प्यारे निकले हैं ना सबज और ब्लू से मिलता जुलता कलर है इसका। वो ब्लू है और ये ग्रीन और ब्लू है। ये ग्रीन आपने हमारी पुरानी वीडियो में देखा था मैंने उसको स्प्रिंग बनाया था। क्या करें अब सीधा ही हो इसका पाँव। इंशाल्लाह देखिए माशाल्लाह ये देखिए मैंने स्प्रिंग उतार दिया इसका स्प्रिंग मैंने लगाया था। ये बात ही है अब ये बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। उड़ ना जाए। नहीं अब ये फ्लाई करेगा अंदर ही देखें मैंने खोला ये अंदर अभी फ्लाई करेगा देखें। एक अंडा और पड़ा हुआ है। एक और अंडा देखा था इसने दोबारा अंडा दे दिया हमने अंडे सारे खत्म कर दिए ना हमने खत्म कर दिया फिर से एक और अंडा दे दिया पूरी सफाई की थी। ये अंदर क्यों है बाहर क्यों नहीं आ रहा बीमार तो नहीं मैं उसको पकड़ता हूँ मुझे लग रहा है इसको कुछ हुआ है। नहीं बिल्कुल ठीक है वो देखें बिल्कुल ठीक है बच्चा अपने बॉक्स से बाहर आ गया। बॉक्स बहुत गंदा हुआ है इसको आज भी साफ करके अंदर रख देते हैं कि हो सकता है वो हिल ही नहीं रहा वो वाला। कोई बात वो अभी ये भी सेट हो जाएगा उड़ेगा ना अभी सेट हो जाएगा। वो हैरान हुआ मैं कि मैं आजाद हूं। देखिए जी तीनों बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद हैं और बिल्कुल ठीक है वो ऊपर भी हैं चारों में तीसरा ऊपर है ना ये बिल्कुल सबसे ज्यादा बेटा ग्रीन वाली के साथ अपनी अम्मा के साथ बिल्कुल अपनी अम्मा के साथ जो लगा हुआ ना ये तीसरा बच्चा है दो बच्चे ही हैं। ठीक और अंडा ये अंडा कब दिया वो हमने तो बॉक्स निकाल दिया उसका। कोई बात नहीं अंडे में अंडे को यहाँ रख देता हूँ बॉक्स को साफ कर देते हैं बॉक्स से गंदा है बॉक्स को साफ करके दोबारा इसमें बुरा डाल के ना अंदर लगा देते हैं कि इसमें दोबारा बच्चे देने हो तो दे देगी इसमें बुरा डाल देंगे। धूप कितनी तेज है हुई 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 धूप बड़ी तेज है ठीक है बुरा भी जम गया ना उनके पिट्ठों के साथ। एक बाहर ही निकला था मैं चलो मैं बाहर निकाल देता हूँ बॉक्स को साफ रखना भी जरूरी है ना जब मैंने बड़ा केश बना लूंगा ना यहाँ पे ब्रांड केश मैंने यहाँ पे बनाना है ठीक है सारी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे बनाना है ये इसकी ट्रेन से बनाएंगे बड़ा केश क्या धूप भी जाया करेगी धूप लोगों की बहुत अच्छी है पिंजरे में धूप नहीं जाती ना उसकी मुझे बड़ी प्रॉब्लम है। चलो जी डब्बा हो गया साफ ही था दोबारा से धोना नहीं है एक दफा इनका खाना खत्म हो गया है और डाल दो लो जी बॉक्स हो गया फिर से साफ। चलो कितना डाला है बस इतना से डाल दिया कि जब दोबारा अंडे दें तो शायद से कभी उसने एक अंडा दिया मैंने वो अंडा मैं इसके अंदर रख दूंगा अभी तो वो अंदर क्यों नहीं बैठी थी उसने अंडा दिया था पता नहीं वो समझ पा रहा है अंडा दे के बाहर घूम रही है। तीन बच्चे तो माशा हमारे निकल आए हैं अभी संडे के अंदर मुझे लगता है कुछ है मतलब जर्दी है सफेदी है लेकिन इस अंडे को ऐसे ऐसे हिला दिया तो बच्चा मिक्स हो गया होगा अंदर नहीं होता बातें ऐसा वो देखते नहीं बाकी लोग क्या करते हैं वो तो मोबाइल की रोशनी से देखते हैं मैंने अंडा रख दिया इसके ठीक है अब मैं बॉक्स बाहर लगा लूँ। ये माशाल्लाह ये हमारे घर में ऑस्ट्रेलियन ब्रेड की पहली ब्रीड है। ओके बॉक्स रेडी वापस आ जाते हैं। इस वाले डब्बे के अंदर भी ना मुझे लगता है कि अंडा है कोई क्योंकि वो ये सब्ज वाली तोती ना उसके अंदर भी गई हुई थी तो नहीं निकालते उसमें वैसे खोल इसको वैसे देखा ये उतरेगा उतना तो बहुत मुश्किल है इसमें वैसे ही खोल के देखा है कोई अंडा शंडा कुछ नहीं है खाली है उसके अंदर भूरा ही नहीं है भूरा ही नहीं डाला उसने लाया था वो काम दे गया तोते वाले माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है आप
और तीनों तोते बड़े, वो देखिए किसने ऊपर चढ़ा है, वो उड़ने के, वो अभी उड़ नहीं रहा सही से। हाँ वो उड़े, अभी बच्चे हैं, अभी थोड़ी उड़ेंगे, अभी इनको टाइम लगेगा उड़ने में। वो उधर ही रुक गया, उसका स्प्रिंग उतार रहा है। उसको ऐसा ऐसा आदत होगी ना, क्योंकि उसकी टांग सीधी हो गई है, वही जाना सी टांगे खराब हुई थी। तो भाई जान कैल्शियम भी लगा हुआ, कैल्शियम भी आगे खाते रहते हैं, यानी कि अगर इनको कमी होती है ना कैल्शियम खा लेते हैं, सेट रहते हैं। तो भाई जान ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट होता है, अगले ब्लॉग का वेट करें। और मैंने आपको कहा था कि हम लोग वाटर इधर लेकर आएंगे और जानवर लेके आएंगे, मैं सिर्फ बाहर वाले केश का बनने का इंतजार कर रहा हूँ। वो बंदा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लेकिन पता नहीं कब आएगा। लेकिन जो रही पैरेट है ना मेरे पास, मेरा दोस्त होता है, वही मुर्गी नीचे आएगी उधर से। ओ, ये कैसे आई, पता नहीं भी पकड़ी जाएगी कि नहीं, अभी अभी ना पकड़ी गई। चल चल गिर ना जाएगी भाई, मुर्गी नीचे आ गई थी, अब मैं मुर्गी ऊपर छोड़ने जा रहा हूँ। ये देखें अब इसको ऊपर छोड़ के आता हूँ, ये भी एक टफ ड्यूटी होती है, ऊपर की टेंशन खत्म हो जाएगी, ये वाला केस बन जाएगा, मुर्गियां सब नीचे हुआ करेंगी, परिंदे भी नीचे हुआ करेंगे, मेरी सारी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करता हूँ, अगले ब्लॉग का वेट कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार कमेंट लाजमी कर दें, और सब्सक्राइबर्स मुझे चाहिए। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, मुझे मज़ा नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और इसको शेयर करना मत भूलें। कमेंट्स करके मैं बताइएगा कि वो जो अंडा मैंने भी रखा है कुछ के अंदर, उसे रखा रहने दूँ कि उसे निकाल दूँ, क्या हिलने से ख़राब तो नहीं होता ना, लाजमी बताइएगा।